हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज मैं करने वाला हूँ डेंथस की सीडलिंग। काफ़ी खूबसूरत प्लांट होते हैं, विंटर प्लांट हैं, और अगर इनकी ठीक से केयर की जाए तो आप इनको साल भर अपने गार्डन में रख सकते हैं। हाँ, फ्लावरिंग थोड़ी सी इसमें नहीं होगी गर्मियों के सीजन में, विंटर में इसमें फ्लावरिंग होगी, लेकिन प्लांट को आप अगर अच्छे से रखते हैं तो साल भर आप इसे रख सकते हैं। काफ़ी दिनों से मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि आप विंटर प्लांट्स की सीडलिंग कब करने वाले हैं, तो मैं आप शुरू कर दे रहा हूँ सीडलिंग, और अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा था। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, फिलहाल टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है, फिर भी मैं सीडलिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस दिन में और लगभग 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस करीब अगर रात में रहता है तो आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। और ये डेंथस के सीड्स हैं, और अगर आप तक अभी तक आपने सीड्स नहीं परचेज़ किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप सीड्स परचेज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो मैं रख रहा हूँ लगभग 40% के करीब ये बालू मिट्टी है, इसे ले रहा हूँ, और लगभग 20% के करीब मैं ले रहा हूँ गार्डन वाली मिट्टी, और लगभग 20% के करीब मैं ले रहा हूँ कोकोपीट, और 20% के करीब ही ले रहा हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं मिल पाती है, बालू मिट्टी नदी के किनारे वाली मिट्टी होती है, अगर आपको बालू मिट्टी नहीं मिल पाती तो आप नॉर्मल बालू मिट्टी भी बालू यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल बालू जो मेरे घर बनाने में यूज़ होती है पतली वाली, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद एक अच्छे से बेडिंग तैयार कर लेंगे। बेडिंग तैयार करने के बाद किसी टूल की हेल्प से एक पतली पतली हल्की सी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, बस एक लाइनिंग बना लेनी है, एक लाइनिंग बना लेंगे, और उन्हीं लाइनिंग में अपने सीड्स को धीरे धीरे करके स्प्रिंकल कर देंगे, एक एक सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे। तो जितनी भी आपके पॉट में जगह बनती है उतनी आप लाइनिंग बना लें, और सारे लाइनिंग बना करके उनमें सीड्स अपने धीरे धीरे करके डाल दें। सारे सीड्स डालने के बाद ऊपर से हल्के से, बहुत हल्के से, हल्के हाथ से सारे जो लाइनिंग हमने बनाई हुई है उसे कवर कर देंगे मिट्टी से, जिससे हमारे सीड्स उसके अंदर ढक जाएँ। उसके बाद मैंने कुछ पॉटिंग मिक्स बचा लिया है, उसे भी इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत पतली लेयर बनानी है, बहुत मोटी नहीं करनी आपको लेयर, हल्के से लेयर करनी है, तो एक पतली सी लेयर ऊपर बना लेंगे जिससे कुछ सीड्स अगर खुले में रह गए तो वो भी कवर हो जाएं। तो एक पतली सी लैप लेयर उसी पॉटिंग मिक्स की ऊपर से कवर कर देंगे। और इसके बाद मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ पानी देने के लिए, फिलहाल मैंने पानी का स्प्रे पहले भी किया था, लेकिन मैं एक बार कुछ देर के लिए अपने एक पानी से बड़े भरे टब में अपने पॉट को रख देता हूँ, जिससे धीरे धीरे करके पानी नीचे से सक कर ले। लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्क रहता है, आप थोड़ा सा इसमें नज़र बना के रखें, जैसे ही पानी आपको हल्का हल्का फील हो कि अब पानी ऊपर आ गया होगा तो आप फट से बाहर निकाल दें, बिल्कुल वेट मत करें कि सौगी हो जाए, तो सौगी नहीं करना है आपको, हल्का सा थोड़ी देर रखना है आपको, जिससे जरूरत भर का पानी आपका नीचे से ऊपर आ जाए। इससे क्या होता है, ऊपर की सरफेस बिल्कुल डैमेज नहीं होती, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज सीडलिंग का तीसरा दिन है और इसमें कुछ स्प्राउट्स अब दिखने लगे हैं, तो कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं अभी, और कुछ अभी एक से दो दिन में और निकलेंगे। इसमें बात कर लेते हैं इनकी केयर की, क्योंकि ये बेबीज हैं तो इनको नॉर्मल प्लांट की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होती है इनकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की, तो आपको इन्हें ऐसी जगह पे लोकेट करना है जहाँ पे मॉर्निंग की एक से दो घंटे की सनलाइट डायरेक्ट मिल जाए इन्हें, क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देंगे तो काफ़ी तेज़ी से अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगते हैं और प्लांट आपके काफ़ी पतले होकर मर जाते हैं। लेकिन दोपहर की सनलाइट इन्हें नहीं देनी है, एक से दो घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट हो, किसी ऐसी जगह पे नहीं रख दें जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आए उसके बाद किसी दीवार की परछाई पड़ जाए, किसी चीज़ की परछाई पड़ जाए, तो काफ़ी बेस्ट रहेगा आपको, क्योंकि बार बार इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप बार बार अंदर बाहर करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको भी होगी और आपके प्लांट को भी होगी। अगर आप इसको बाहर रख दिए और अंदर रखना भूल गए तो बात कर लेते हैं वाटरिंग की, तो बिल्कुल आपको इन्हें ड्राई नहीं होने देना है, मॉइस्चर मेंटेन रखना है। एक बार मॉर्निंग में आप हल्के से पानी का स्प्रे कर दें, एक बार इवनिंग में हल्के से पानी का स्प्रे कर दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। फिलहाल मैंने पॉटिंग मिक्स ऐसा रखा हुआ है कि आप जैसे पानी देंगे फौरन अपने अंदर पानी को ये ले लेगा। एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में इस पर हल्के स्प्रे से इसके ऊपर स्प्रे कर दें। जब भी आपको लगे कि आपके प्लांट में 4 से 5 पत्तियाँ हो चुकी हैं तो आप इनको यहाँ से निकाल करके किसी पॉट में, किसी ग्राउंड में, जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पे इन्हें शिफ्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।